नमस्कार। YouTube ने सब लोकतंत्र चैनल को फिर से बैन कर दिया है और मेरा एक वीडियो जो मैंने गोधरा 2.0 बनाया था, जिसमें जैन के बसों के ऊपर हमला किया गया था शांति दूतों के द्वारा, उस वीडियो को भी डिलीट कर दिया गया। तो दोनों चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या सच में इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर सिर्फ ये एक मिथ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब लोकतंत्र के ऊपर और उसके बाद बात करेंगे मेरे वीडियो के बारे में। तो सब लोकतंत्र वाले बाबा ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं और जो अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज आ रहे हैं, उनको क्यों हमारे देश में नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने वीडियो स्टार्ट करते हुए कहा कि अगर आपके घर में चूहे हमेशा आते रहते हैं, चूहों की प्रॉब्लम है, तो क्या आप अपने मेन गेट का दरवाज़ा खोल कर रखोगे? आप अपने मेन गेट का दरवाज़ा खोल कर नहीं रखोगे, क्योंकि उससे चूहे और ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमारे देश के अंदर कितने सारे शांति दूत हैं जो ऑलरेडी हमारे देश में इतना ज़्यादा शांति फैला रहे हैं, तो फिर बाहर से शांति दूतों को बुलाने की क्या ज़रूरत है जब ऑलरेडी इतनी शांति फैली हुई है। तो इसी टॉपिक के ऊपर बाबा ने वीडियो बनाया था और उसके बाद यूट्यूब को पता नहीं कौन सा ऐसा बात ट्रिगर कर गया जो उसने वीडियो तो डिलीट किया ही साथ चैनल को भी बैन कर दिया। मेरे हिसाब से उनका जो चैनल बैन हुआ होगा वो करीब 7 दिन या फिर 15 दिन के लिए बैन हुआ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब बैन हुआ था तो 7 दिन के लिए हुआ था, तो इस टाइम शायद 15 दिन के लिए बैन हुआ होगा। अब बात करते हैं मेरे वीडियो के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाया था गोधरा 2.0, उसमें मैंने बताया था कि जैन का एक बस जा रहा था और उस बस के ऊपर शांति दूतों ने हमला किया और उसको जलाने की कोशिश की, मतलब गोधरा 2.0 करने की पूरी साजिश थी। और उसके साथ ही साथ जो अफगानिस्तान से लोग इंडिया में आ रहे हैं वो कैसे हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया था। और उस वीडियो का चिल्ड्रन से लेना देना है ही नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, फिर भी YouTube ने मेरा वीडियो ये कहकर डिलीट कर दिया कि चाइल्ड पॉलिसी को आपने वायलेट किया है। कहा तो जाता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिस्ट के लिए है या फिर बाकी कम्युनिटीज़ के लिए? क्या हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? और अगर हमारे कम्युनिटी में किसी के ऊपर हमला हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसके खिलाफ अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो क्या हमारे वीडियोज़ को डिलीट कर दिया जाएगा? क्या हमारे चैनल को बैन कर दिया जाएगा? और अगर हम अपनी देश की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में अगर कोई बाहर से आता है तो हमारे देश को कैसे नुकसान पहुँच सकता है, तो क्या उस वीडियो को भी डिलीट कर दिया जाएगा कोई भी ऐसा ही फुद्दू सा बहाना बता के? लास्ट टाइम जब मैंने सौरभ भास्कर के ऊपर वीडियो बनाया था और एक्सपोज किया था कि किस तरीके से सौरभ भास्कर ट्विटर को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें करती है, और मैंने डेटा और फैक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाया था, बट फिर भी उस वीडियो को यूट्यूब ने ये कहकर डिलीट कर दिया कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा हूँ, जबकि वो वीडियो पूरा का पूरा फैक्ट और डेटा के बेसिस पे था। मैंने अपने मन से एक वर्ड तक नहीं बोला, फिर भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। अब कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोगों के लिए मिथ है, सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, हमारे लिए वो है ही नहीं। कोई भी फुद्दू सा रीज़न बता के हमारे वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है, कभी भी चैनल को बैन कर दिया जाता है। फिलहाल उस वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूँ। वो जो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है इसी के लिए मैंने बनाया था, क्योंकि यूट्यूब मैं जानता हूँ कि वीडियोज़ हमारे डिलीट करता रहेगा, तो इसीलिए मैंने वो चैनल बना दिया ताकि वहाँ पर मैं अपने डिलीटेड वीडियो और बहुत सारी चीज़ें और भी शेयर कर सकूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि कल को अगर मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाता है तो कम से कम हमारे पास टेलीग्राम ऐसा होगा जहां से हम सभी लोग आपस में जुड़े रहेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोशल मीडिया भी फॉलो कर लिया कीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं अपने सारे वीडियोज़ को धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूं। तो कम से कम कोई तो ऐसा माध्यम होगा जहां पे हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। तो आशा है कि आप लोग ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहेंगे और अपना प्यार बरसाते रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम।